हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। 2013 में एक फिल्म आई थी जिला गाजियाबाद, ये क्राइम थ्रिलर थी, लेकिन फर्ज कीजिए अगर कोई फिल्मकार गाजियाबाद की बदहाली पर फिल्म बनाए तो पिक्चर कैसी होगी। पिक्चर बननी तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, लेकिन ट्रेलर देखने को मिल रहा है। हर बरसात में यही ट्रेलर देखने को मिलता है। गाजियाबाद के लोग जल भराव और बिल्डरों की मनमानी से परेशान हैं और नगर निगम सोया हुआ है। नरक में तब्दील हुआ गाजियाबाद, नकारा साबित हो रहा नगर निगम, जल जमाव से लोग परेशान, सिस्टम बेपरवाह। सभासद अरविंद ने सड़क पर दिया धरना। भारी बारिश और जल जमाव ने गाजियाबाद में प्रशासनिक तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। जब सिस्टम कुंभकर्णीय नींद में सो जाए तो जनप्रतिनिधियों को लोगों की मदद के लिए आगे आना ही पड़ता है। गाजियाबाद नगर निगम पूरी तरह नकारा साबित हो रहा है। पूरा शहर नरक में तब्दील हो गया है। जल जमाव के चलते आम जन जीवन अस्त व्यस्त है। घर से बाहर निकलना दूभर हो रहा है। बिल्डिंगें धस रही हैं, करंट लगने से जान जा रही है, लेकिन नगर निगम और जिला प्रशासन कान में तेल डालकर सोया हुआ है। ऐसे में एक सभासद ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। वो जल जमाव के बीच भारी बारिश में ही धरने पर बैठ गए। लोगों ने जिन नेताओं को अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए भेजा था, जब वो निगम की ओर से इसका समाधान नहीं ढूंढ सके तो खुद ही पानी के बीच सड़क पर बैठ गए। अच्छा हुआ, चलो इसी बहाने उन्हें जनता का दर्द तो समझ में आया, अपने इलाके के लोगों के लिए वो सड़क पर तो उतरे। उधर दूसरे सभासद संजीव त्यागी ने भी जल जमाव की तस्वीरें शेयर करते हुए बिल्डरों की लापरवाही पर नाराजगी जताई। सभासद पप्पू पहलवान भी अपने इलाके के लोगों की मदद के लिए आगे आए और नालियों की साफ सफाई कराए ताकि जल जमाव से निजात मिले। गाजियाबाद में जल जमाव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। सोशल साइट्स पर कमेंट की बाढ़ आ गई है। लोगों ने तरह तरह के कमेंट कर जिम्मेदार अधिकारियों को लताड़ लगाई। एक नामचीन पत्रकार मानक गुप्ता ने जल जमाव का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ये उस जिले का हाल है जहां के सांसद जनरल बीके सिंह केंद्र सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने लिखा कि मुझे इस फ्लाईओवर से ऑफिस जाने में 3 मिनट का वक्त लगता है, अब इसमें तैर कर जाने में कितना वक्त लगेगा। गाजियाबाद नगर निगम, जिला प्रशासन और इलाके के जनप्रतिनिधियों को इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।